नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। लेकिन ईटीवी की कोशिश हर दिन रहती है कि इन छुपी हुई खबरों को आपके सामने लाएं। आज भी हम ये नहीं बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, कौन उठा रहा है, बल्कि बताने की कोशिश ये करेंगे कि दरअसल जब केंद्र सरकार को चौतरफा वाहवाही मिलने लगी तो कैसे कुछ लोगों ने शहादत पर अनलिमिटेड सियासत शुरू कर दी है। अब इन राजनेताओं से निपटे या बदले का बदला लेने की फिराक में साजिश रच रहे पड़ोसी पाकिस्तान से, खैर सरकार ने साफ कर दिया है कि विपक्ष भले ही दुश्मन देश की जुबान बोले, असली को फर्जी कहता रहे, लेकिन हम किसी भी सूरत में वीडियो जारी नहीं करेंगे, सबूत नहीं बांटेंगे। सवाल सिर्फ नेताओं का हो तो सह भी लिया जाए, लेकिन जाने माने कलाकार जब उनसे भी दो कदम आगे बढ़ जाएं, शहादत का खुलेआम अपमान करें, तो सिर शर्म से झुक जाता है। देश में पाकिस्तान के खिलाफ भड़के आक्रोश से इतर कोई पुत्र मोह दिखा रहा है तो किसी का पाक प्रेम परवान चढ़ रहा है, और इसकी चर्चा पाकिस्तान में भारत से ज्यादा है। निशाने पर सिर्फ सरकार ही नहीं, वो शख्स भी हैं जो क्रिकेट में फैली हुई गंदगी मिटाने की मुहिम में खुद को झोंके हुए हैं। लेकिन सियासत से इतर आरबीआई ने घर खरीदने वालों की ईएमआई घटाने का रास्ता खोल दिया है। खबरें देश के दूसरे हिस्सों में भी है, उनको भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त रुक करते हैं उस सबसे बड़ी खबर का जिस पर पूरे देश की नजर आज दिन भर कम से कम रही और आने वाले दिनों में भी रहेगी। देश के आम आदमी की जितनी नजरें उतने ही खास लोगों की, वजह भी खास है। जी हाँ, न्यूजीलैंड सीरीज क्या रद्द हो जाएगी, क्या क्रिकेट की रफ्तार रुक जाएगी, ये सवाल उठा है बीसीसीआई के बयान से, जिसमें कहा गया है कि यस बैंक ने लोढ़ा कमेटी के आदेश के बाद बीसीसीआई के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। लेकिन जस्टिस लोढ़ा ने साफ कर दिया कि क्रिकेट के मैदान पर कभी नहीं रुकेगा क्रिकेट, रुकेगा तो भ्रष्टाचार, जिसने बदनाम कर रखा इस खेल को, और पूरा देश जिसके खात्मे का इंतजार कर रहा है। Not so good. The Indian skipper has done a tremendous job to get back there. लगातार तीसरा वर्ल्ड कप जीतने को बेताब वेस्टइंडीज की टीम हक्का बक्का रह गई थी जब कपिल देव की सेना ने जीत का कारवा रोक दिया। साल 1983 का था और मैदान लॉर्ड्स का, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। टेलीविजन भारत में तो आ गया था लेकिन घर घर नहीं पहुंचा था। क्रिकेट प्रेमियों की धड़कन रेडियो की कमेंट्री से सीधे जुड़ी हुई थी। सुशील दोषी का आंखों देखा हाल रोमांच पैदा करता था और तब जीत का मतलब भारत की जीत होता था। टीम का मतलब सिर्फ भारत और मैच का मतलब टेस्ट या वनडे। लेकिन 21वीं सदी में जैसे ही आए जुड़ गया 2020 का फटाफट क्रिकेट। 2007 में धोनी की अगुवाई में भारत ने पहला 2020 फाइनल जीता। तो अगले साल यानी कि 2008 में आईपीएल का आगाज हो गया। दौलत, शोहरत और चीयर गर्ल्स के ग्लैमर ने खेल में ऐसा छोंक जड़ा कि क्रिकेट कारोबार बनकर रह गया। 240,000 वेलकम द चेन्नई सुपर किंग्स। टीम और खिलाड़ी सबकी बोलियां लगने लगी। पैसों की बारिश में खिलाड़ी बिकाऊ हो गए। 370,000 सट्टेबाजी और फिक्सिंग के कलंक से क्रिकेट कराहने लगा तो जस्टिस मुदगल कमेटी को जांच का जिम्मा मिला। 2014 में मुदगल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 भारतीय खिलाड़ियों पर फिक्सिंग का शक जताया तो दामाद मयप्पन के चलते तब के बीसीसीआई बॉस श्रीनिवासन भी संदेह के घेरे में आ गए। 200 पेज वाली इस रिपोर्ट में राज कुंद्रा भी रडार पर आने से नहीं बच सके। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दागदार कथाओं के किरदार बनकर उभरे श्रीनिवासन की छुट्टी हुई और शशांक मनोहर ने उनकी जगह ले ली। बाद में जगमोहन डालमिया ने ये ओहदा संभाला, लेकिन डालमिया के निधन के बाद फिर से शशांक मनोहर अध्यक्ष बने और फिलहाल अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के बॉस बन बैठे हैं। गंगा में इतना पानी बहने के बावजूद क्रिकेट की गंदगी नहीं गई, लेकिन सफाई में जुटी जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी हार मानने को तैयार नहीं है।
मौजूदा जिम्मेदारों ने जब दबाव के लिए उल जुलूल कहना शुरू कर दिया तो जस्टिस लोढ़ा ने दो टूक कह दिया कि ठाकुर सरी के अध्यक्षों को हटाए बिना बात बनती नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस लोढ़ा की पीड़ा को पढ़ लिया और कहा, खुद को भगवान समझने वाले या तो सुधर जाएं, वरना हम उन्हें सुधार देंगे। कोर्ट की ये टिप्पणी बीसीसीआई पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार थी। तिजोरी की ताकत से अकड़े लोग ये मान बैठे कि अगर लोढ़ा कमेटी पर लांछन न लगाया गया तो उनकी मानहानि इतिहास बन जाएगी। पता नहीं ये साजिश थी या स्वाभाविक घटना, लेकिन सुबह सुबह एक खबर ने जस्टिस लोढ़ा पर क्रिकेट विरोधी होने का इल्जाम जस्पा कर दिया। कहा गया, लोढ़ा कमेटी के आदेश पर यस बैंक ने बीसीसीआई के खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिससे न्यूजीलैंड के साथ चल रही मौजूदा टेस्ट सीरीज के साथ आने वाली वनडे सीरीज भी खटाई में पड़ गई है। अनुराग ठाकुर के बयान से पैदा हुए भ्रम के बाद खुद जस्टिस लोढ़ा सामने आए, बोले, न तो बीसीसीआई को पैसे निकालने की मनाही है, न ही सीरीज पर कोई संकट। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से बीसीसीआई के बैंक खाते बंद किए गए, बैंकों को पेमेंट करने के लिए मना किया गया। बीसीसीआई के अकाउंट्स फ्रीज करने का या रूटीन एक्सपेंडिचर करने का या गेम चलाने का या जो ऑनगोइंग सीरीज पे खर्चा करने का, उस पर किसी तरह का कंस्ट्रेंट बीसीसीआई पर नहीं था, न हमने डाला और न कोई पाबंदी थी। जाहिर है क्रिकेट की गंदगी दूर करने के अभियान में जुटे जस्टिस लोढ़ा की लड़ाई एक ऐसे संगठन से है जो अपनी दौलत की बदौलत देश की सियासत को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा है। माया के इस खेल में सत्ता पक्ष से विपक्ष तक एक जुबान में बोलते हैं। कीर्ति आजाद के तीर जब जेटली की जानिब छूटते हैं तो चोट शरद पवार और राजीव शुक्ला के दिल में लगती है। गोया बीसीसीआई में घुसते ही सब निर्दलीय हो जाते हैं। लेकिन जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में जस्टिस लोढ़ा ने इनकी मनमानी पर ब्रेक का पूरा खाका खींच दिया था। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि एक राज्य एक वोट होना चाहिए। बीसीसीआई का पदाधिकारी वही हो सकता है जो मंत्री या सरकारी अधिकारी न हो। साथ ही बीसीसीआई को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में लाया जाए। लोढ़ा कमेटी की इन सिफारिशों पर अलग राय जरूर हो सकती है, लेकिन उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जानकारों के मुताबिक अगर लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशें लागू हो गई तो क्रिकेट काफी हद तक साफ हो जाएगा और क्रिकेट पर कुंडली मारे बैठे सियासतदानों की छुट्टी होगी तो खेल खिलाड़ियों की मर्जी से चलेगा। जस्टिस लोढ़ा की भी यही तमन्ना है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में बीसीसीआई इस रास्ते पर चलती नजर आएगी। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। यानी कि बीसीसीआई के लिए मुश्किलें अब कम नहीं हुई हैं और आने वाले दिनों में अनुराग ठाकुर को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय करनी पड़ेगी। बचेंगे भी तो कितने दिन? बहरहाल देखना होगा क्रिकेट के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो कितना कम होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक सैनिक की शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता। अपने वतन की हिफाजत के लिए एक सिपाही हंसते हंसते अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। ऐसे में क्या किसी को ये हक दिया जा सकता है कि वो किसी सिपाही और उसकी शहादत का भद्दा मजाक बनाए? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जवानों की शहादत पर भी कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पूरा देश शर्मसार हो रहा है। पहरा देता जवान सिर्फ देश के लोगों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता है, वो जान देकर या जान लेकर हमें ये एहसास कराता है कि हम महफूज हैं। वो हर उस दुश्मन के लिए खौफ का सबब है जो हमारा चैन और सुकून छीनना चाहते हैं। लेकिन अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले सिपाही की कोई तौहीन करे तो आप क्या कहेंगे? क्या आप इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन बॉलीवुड की ग्लैमरस जिंदगी जीने वाले कुछ सितारों को शायद इससे कोई मतलब ही नहीं। तभी तो कुछ ऐसे भी हैं जो जवानों की शहादत पर ऐसा बयान दे रहे हैं जिस पर पूरा देश शर्मसार हो गया है। ओमपुरी को ही लीजिए, पाक एक्टर्स पर बैन को लेकर उनसे सवाल किया गया
तो आग बबूला हो गए। पाक कलाकारों की हिमायत करते करते शहीद नितिन कुमार का ही अपमान कर दिया। उनसे किसने कहा था कि वो फौज में जाएं? उनसे किसने कहा था कि वो हथियार उठाएं? कौन जबरदस्ती लोगों को फौज में भेजता है? भारत और पाकिस्तान को इजराइल और फिलिस्तीन ना बनाएं। ओमपुरी को क्या इतनी भी समझ नहीं है कि अगर जवान हथियार नहीं उठाएगा तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा? वहीं अब दबंग खान के पिता सलीम खान भी पुत्र मोह का शिकार होते दिख रहे हैं। नेशन फर्स्ट का दावा करने वाले सलीम खान ने पाक कलाकारों पर दिए अपने शहजादे के बेतुके बयान का बचाव करते करते देश पर ही सवाल उठा दिए। हाफिज सईद लखवी और मसूद अजहर की जगह अब सलमान खान, महेश भट्ट, करण जौहर और येचुरी ने ले ली है। ये लोग अब देश के लिए खतरा बन गए हैं। मिस्टर येचुरी, आप चिल्लाने, उन्हें दुख पहुंचाने, उनकी बेइज्जती करने की बजाय शांति की बात कर रहे हैं। सावधान रहें, आपको गद्दार घोषित किया जा सकता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिनकी आंख का पानी अभी खत्म नहीं हुआ। नाना पाटेकर ने कहा कि सभी कलाकार सेना के सामने ऐसे ही हैं, जैसे खटमल होते हैं। मुझे लगता है कि हम कलाकार देश के आगे कुछ नहीं है, हमारी कीमत जीरो है। हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं और उनके प्रति हमारे दिल में, अगर किसी के दिल में आदर नहीं है तो उनका आदर हम नहीं करेंगे। ओमपुरी और सलीम खान को शायद अदनान सामी से सीख लेने की जरूरत है, जो पाकिस्तान को छोड़कर आए और अब पूरे हिंदुस्तानी बन चुके हैं। तभी तो लाख विरोध के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान के सर्जिकल ऑपरेशन को जायज बताया है। गैरों पर करम, अपनों पर सितम, मानो गाने की ये लाइन ओमपुरी और सलीम खान के बयानों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिनके दिल में पाकिस्तानी कलाकारों के लिए तो पूरी हमदर्दी है, लेकिन वतन के रखवालों के लिए सम्मान नहीं। पता नहीं ये कैसे भूल सकते हैं कि आतंकी हमले भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान करता है, सीमा में हम नहीं पाकिस्तान घुसपैठ करता है। इन्हीं बयानों के खिलाफ लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और चारों ओर इनके बयान की फजीहत हो रही है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। सवाल देश में भी उठ रहे हैं, देश के बाहर भी उठ रहे हैं, और इन सवालों का जवाब क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ ठीक 9:30 बजे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देश में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा बचा हो जिस पर राजनीति नहीं होती हो। हर रोज एक मुद्दा मानो खोजा जाता है, उस पर विवादित बयान दिया जाता है और उसके बाद दिन भर बहस भी होती है। पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पूरे देश को गर्व है। देश की जनता भारतीय सेना के हौसले को सलाम कर रही है, लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक की भी सर्जरी हो रही है। कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये जरूर है कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर किसी को भी क्या गैर जिम्मेदाराना बयान देने की जरूरत है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का सर्जिकल स्ट्राइक पर दिया गया बयान क्या कांग्रेस पार्टी को उतना ही परेशान कर रहा है जितना अक्सर गांधी परिवार के खिलाफ देने पर करता है, या पार्टी भी इसे हल्के में ले रही है? पाकिस्तान में आज चर्चा सबसे ज्यादा चर्चा करने वालों की रही किसी की, तो वो भारत के इन लोगों की। और इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल और आपके नेता राघव चड्डा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीम अफजल साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। बहुत गंभीरता से ले रही है दिन भर पार्टी ने अपना स्टैंड बताया कि आप संजय निरुपम के साथ नहीं हैं, लेकिन पार्टी क्या कर रही है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने की सजा कोई? कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से अपने आप को अलग किया है और कांग्रेस प्रेसिडेंट के उस बयान को दोहराया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपनी पूरी फौज पर और हमारी सरकार पर जो एक्शन हुआ है, जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, उस पर हम उसके साथ हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे और आज भी हम साथ खड़े हैं। जहाँ तक सेना का ताल्लुक है, उस पर कोई डाउट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, आज सवाल पूछा जा रहा है, आप हमसे भी पूछ रहे हैं, संजय निरुपम जी से भी पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी से भी पूछ रहे हैं। मैं एक राजनयिक के तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही एहतियात के साथ किसी को भी अपना रद्द अमल ज़ाहिर करना चाहिए,
इसलिए कि हमारी किसी भी छोटी सी गलती से या कोई सवाल पूछने से पाकिस्तान काफ़ी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपने उसका जिक्र भी किया कि पाकिस्तान के अखबारों में आज ऐसा छपा है, जाहिर है कि उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के आधे अधूरा बयान जिसके अंदर पूरी बात नहीं कही गई, वो केजरीवाल के पूरे प्रोपेगेंडा सारे दिन आज वहाँ चलता रहा टेलीविज़न चैनल्स पर और अखबारों में भी शायद उसका जिक्र है। लेकिन मीम अफजल साहब, बहुत एहतियात की मौका तो हमने ही दिया है वहाँ के अखबारों को, आपको आपको ये बताना होगा सर। एक बात और, बस एक 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 बात जी, मैं एक बात और कह दूं। देखिए, इसमें एक बहुत अहम पहलू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत से हमारे फौज के भी लोग बैठे हुए हैं और पूरे मान एंड सम्मान के साथ मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ। देखिए, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, मैं डेट्स भी बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने कभी इसको ठीक नहीं समझा कि इसको हम पब्लिसाइज करें और इसका दावा करें, हमने ठीक नहीं समझा। आज की सरकार ने एक फ़ैसला लिया, ये उनका अपनी स्ट्रैटेजिक एक हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, आगे चल के इसका ठीक हुआ अच्छा हुआ ये हम लोग तजिया करेंगे। लेकिन ऐसे बयान दिए क्यों जाते हैं मीम अफजल साहब? देश ये जानना चाहता है कि जब देश में इस तरह का माहौल हो, पाकिस्तान से लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हो, आज भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, ऐसे में कोई भी पार्टी का कोई भी नेता इस तरह का बयान क्यों देता है? पीछे मकसद क्या होता है? भले ही आज आप किनारा कर ले, लेकिन आप पार्टी से बाहर तो नहीं कर रहे उनको? आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें हम इन्हें पार्टी से बाहर निकालते हैं? तो आप ये बताइए कि सरकार को ये कहने की जरूरत क्या थी कि हमने इसकी वीडियोग्राफी की है या ठीक वक्त पर हम इसको बताएंगे? तो ये सवाल उठाने का मौका पाकिस्तान को भी सरकार ने ही दिया कि भाई हमने वीडियोग्राफी की है, तो आज वो डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ भी कुछ लोगों ने किया। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आज जो कुछ भी कहा गया उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप जो कह रहे हैं मीम अफजल साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत है मेरे साथ। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, अगर सरकार ने ये कहा कि हमने वीडियो बनाया है ड्रोन के जरिए, क्या इसकी वाकई जो सरकार ने कहा है देश के सामने या किसी के भी सामने सफाई के रूप में या फिर दिखाने के रूप में या प्रूफ के रूप में देने की जरूरत है? क्या ऐसा होता है दुनिया के देशों में? नहीं, अभी बेसिकली ये वीडियोग्राफी का जो मसला है, ये हो सकता है कि अभी बॉडी कैमराज के जरिए वो की गई होगी, लेकिन ये वीडियोग्राफी क्यों की जाती है? क्योंकि जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो ऊपर वाले कमांडरों को क्या चल रहा है वो दिखना चाहिए, और सैटेलाइट के जरिए आजकल हम अपने जवानों को गाइड कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं, इस वजह से वो वीडियोग्राफी की गई होगी ऐसे मुझे लगता है। तो इसका कोई पब्लिसिटी का मायना नहीं रखता है। मुझे इतना ही कहना है कि आज जब देश के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई है जो दुश्मन के सामने हम खड़े हैं, अलग अलग ढंग के प्रचार चल रहा है, तब देश के राजनीतिक लोगों ने इस बारे में विवाद खड़ा करना ये मुनासिब नहीं है। और मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी में अगर कंट्रोल है तो इनके लीडर अलग अलग बयान में भी, तो उधर एमपी था, ऐसे कभी नहीं हुआ करता था। और आज जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है इससे सेना के मोराल पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो हम जब दुश्मन के सामने खड़े हैं और सामने आके दुश्मन इसका इस्तेमाल कर रहा है, आप देख सकते हैं कि आपने हमारे दुश्मनों को आपके वक्तव्य का इस्तेमाल करने के लिए पूरी छूट दी है, और इससे मुझे लगता है कि अपने ऑपरेशन डैमेज होता है जी। अभी रहा सियासती राजनीति का जो बात है, तो राजनीति की बात या ये कर रहे हैं कि नहीं ये आपको सामने आएगा, क्योंकि अगर इन्होंने ये स्ट्राइक किया है तो कुछ तो नतीजा पर जाना चाहिए, नहीं तो सिर्फ स्ट्राइक करके ये स्टंट है क्या? क्योंकि फिर पाकिस्तान भी स्ट्राइक करेगा, हम करते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको स्टेलमेट बोलते हैं जी। अगर आप नतीजे पर अपने कार्रवाई को लेके गए और पाकिस्तान जो बार बार कर रहा है उसको आपने ऐसा कड़ा जवाब दिया कि दोबारा वो ऐसी चीज नहीं करे, तो इसका फायदा है, नहीं तो ऐसे सिर्फ स्टंट करने में कोई मतलब नहीं है जी। ऐसे स्टंट करने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या समझा जाए? आप क्या कहना चाहते हैं कि इस देश में इस वक्त जो सरकार के
पक्ष में जो माहौल सरकार की तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो मैसेज देने की कोशिश की, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन से भारत डरने वाला नहीं है, ये हम स्पष्ट कर दें। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने खुद इसको बयान दिया है और डीजीएमओ कोई सरकार से या पॉलिटिकल लीडर से दबके अपना स्टेटमेंट नहीं देंगे, और इसलिए जो डीजीएमओ ने आपको स्टेटमेंट दिया है उसको स्वीकारना चाहिए और ये अच्छा और वक्त पर जवाब दिया। मेरा कहना इतना ही है, इसको पूरे नतीजे तक लेके जाइए। ये ऐसा है, एक स्ट्राइक किया और खत्म हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने आगे आके जरूरत नहीं करना चाहिए कि दुबाना उनके लश्करे तैयबा जैसे मोहम्मद का इस्तेमाल करते हुए। सुधीर सावंत साहब, भारत एक शांति प्रिय देश है, ये भी भारत ने स्पष्ट किया। आपका मतलब आगे ले जाके जाने से क्या है, ये मैं आपसे समझूंगी। उससे पहले राघव चड्ढा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये मांग जायज है? क्या इसको लेकर जो बहस आज दिन भर हुई है वो सही है? आपको समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग बातें कही हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबूत मांगा और कहा कि इस प्रकार के कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने कतई भी ये नहीं कहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री को सल्यूट कहा, भारतीय आर्मी भारतीय फौज को सल्यूट करा और कहा कि आपने बहुत बहादुरी से पाकिस्तान को लताड़ा है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान एक बहुत अच्छी राजनीतिक और गंदा प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें और झूठा प्रचार कर रहा है। वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस का बयान आ रहा है कि इस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ। तो पाकिस्तान हर बार की तरह एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। तो जैसे हमने जमीन पर पाकिस्तानियों को धूल चटाई और मुठभेड़ और जबरदस्त करारा जवाब दिया, घर में घुसकर जवाब दिया, उस प्रकार से हमें इस प्रोपेगेंडा वॉर को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीतना पड़ेगा। यदि भारत देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पाकिस्तान के इस घटिया झूठे प्रचार का खंडन करा, वो है आम आदमी पार्टी। तो सारी पिक्चर आपके सामने है। हम सेना के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री को सल्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं इस जंग को थोड़ा और बढ़ाइए और प्रोपेगेंडा वॉर जो झूठा प्रचार पाकिस्तान कर रहा है उसका भी मुंह तोड़ जवाब दीजिए। परंतु जो राघव चड्ढा, दो बातें आपने की है, दोनों का जवाब लेना चाहती हूँ। मीम अफजल साहब, क्या वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक से जो पोस्टर्स लगाने की बीजेपी ने कोशिश की, राजनीति करने की कोशिश की, आप लोग जो भी सवाल उठा लें। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ बीजेपी से जुड़ने वाले थे, नहीं जुड़ पाए, इसलिए बीजेपी का पक्ष हम नहीं ले पाएंगे, रास्ते में ट्रैफिक में वो फंस गए हैं। लेकिन यहाँ पर राघव चड्ढा ने जो सवाल उठाया है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी को जो फायदा हो सकता है उसका डर सबको सताने लगा है? और उस डर की वजह से राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी भले ही आप लोग ये कह लें कि हमारा नहीं है ये पक्ष, हमें ये नहीं कहना, हम ये नहीं कहना चाहते थे, लेकिन कुल मिलाकर आपने पाकिस्तान को बोलने का मौका तो दे दिया है। और आज संजय निरुपम ने यही इल्ज़ाम लगाया कि आप इस पर राजनीति कर रहे हो, जबकि फौज पर हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमने तो फौरन ये कहा कि हम 100% साथ हैं और हम प्रधानमंत्री जी के और सरकार के साथ। इस पे राजनीति न हो, बीजेपी से आप ये मांग कर सकते हैं, ये मांग करने का किसी को भी हक हो सकता है। ये बात अगर संजय निरुपम करते तो आपको शायद इतना बचाव नहीं करना पड़ता, लेकिन संजय निरुपम ने जो किया है उस पर कांग्रेस पार्टी क्या सख्त रुख अपनाएगी, दिखाएगी? क्योंकि दोनों बातें अलग अलग है। आप बीजेपी को राजनीति न करने दें, ये आपका हक है, क्योंकि राजनीतिक जंग है ये आपकी और उनकी, इसलिए आप उनको रोकें कि इस विषय को राजनीति का हिस्सा न बनाइए, आपकी मांग हो सकती है। लेकिन क्या संजय निरुपम इस दलील के साथ ही पोस्टर लगाए जा रहे हैं इस तरह की बातचीत कर सकते हैं? हम फिर पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी संजय निरुपम के खिलाफ क्या कदम उठाने जा रही है? देखिए, मैं यहाँ बैठकर ये नहीं बता सकता कि क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसका पार्टी ने बहुत संज्ञान लिया और इमीडिएटली इस पर सुरजेवाला साहब ने अभी शाम को 6 बजे एक बाइट दी। उससे पहले हमने बातचीत की और हमने उनसे पूछा। जाहिर है कि मैं कम से कम ज़ाती तौर पर, चूंकि मैं इस सारे मामले को बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं तो ये समझता हूं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ना केजरीवाल साहब को ज़रूरत थी,
ना संजय निरुपम जी को कुछ दी। अगर उनसे गलती हुई है तो यानी कि केजरीवाल साहब को भी ये मांग नहीं करनी चाहिए। आप साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत सरकार कुछ प्रूफ दे। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आपने जो कहा कि भारत को यहीं रुकना नहीं है, भारत को आगे बढ़ना है, इससे आपका क्या मतलब है? भारत के आगे बढ़ने से मतलब, मैंने यही पहले भी कहा, कारगिल स्ट्राइक के पहले भी मैंने बहुत बार स्टेटमेंट दिए, पिछले 10-15 साल से स्टेटमेंट देते आ रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद है वो भारत में 7,000 हमारे सैनिक मारे गए हैं, वो दोनों युद्ध को मिला के और कारगिल को भी मिला के भी इतना मारे नहीं गए, और तकरीबन 15,000 सिविलियन मरे हैं। तो इसको क्या होता है, इसको फाइनल सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान का मेन स्ट्रेंथ कौन है, तो अमेरिका है। और आप देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल स्फीयर में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये जो कार्रवाई हुई है उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए क्या होता है, जो प्रोपेगेंडा सपोर्ट उनको वेस्टर्न वर्ल्ड से पाकिस्तान को मिल रहा है, उसलिए पाकिस्तान की और हिम्मत बढ़ती है जी। और हिम्मत बढ़ने से, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो भूमिका है वो तो है, लेकिन भारत के लोग अंदरूनी सियासत इस तरह से न करें कि उनको मौका मिले। और इसीलिए हम बार बार पूछते रहेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी कि संजय निरुपम के बोलने के पीछे कौन है, क्या अकेले संजय निरुपम या फिर पार्टी की तरफ से। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा, कार्यक्रम में वक्त की कमी है। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़, मिलवाते हैं कोरबा की प्रतिभा राय से। हाल ही में रूस में हुई डायमंड कप किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभा ने सिल्वर मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 17 देशों के 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इससे पहले भी वे नेशनल लेवल पर 3 गोल्ड अपने नाम कर चुकी हैं। 27 साल की ये बेटी कोरबा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। 9 साल की उम्र से किक बॉक्सिंग सीखने वाली प्रतिभा 2017 में होने वाली किक बॉक्सिंग एशियन गेम्स की तैयारियों में जुटी हैं। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।